हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिजीत सिंह के बारे में। अरिजीत सिंह का नाम लेते ही हम सीधे म्यूजिक फील्ड में चले जाते हैं, है ना? है ही वो ऐसे, वो एक मशहूर कला, वो हमेशा से ही एक बहुत ही अच्छे सिंगर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अरिजीत सिंह के बारे में ही बात करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितने सारे स्ट्रगल्स की, तब जाके वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दोस्तों, अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 में वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। इनके पिता पंजाबी थे और LIC में काम करते थे। इनकी माँ बंगाली एक हाउसवाइफ थी। इनका स्कूल की पढ़ाई जियागंज राजा बिजवा हाई स्कूल से हुई और आगे की पढ़ाई जियागंज के एक श्रीपत सिंह कॉलेज से पूरी हुई। वो पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, लेकिन साथ साथ उनका म्यूजिक से बहुत अधिक लगाव था। अब क्यों ना हो, उनकी नानी नैनीहाल में एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वेल ट्रेंड थी। उनके मामा एक तबला वादक थे, उनकी मौसी भी सिंगर थी और उनकी माता जी भी बहुत अच्छा गाती थी। तब जाके वे धीरे धीरे म्यूजिक में इंटरेस्ट लेने लगे और उनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद हजारी ने दी। उनको तबला सिखाया धीरेंद्र प्रसाद हजारी ने और रविंद्र संगीत जैसे अन्य पॉप म्यूजिक को की जानकारी उन्हें वीरेंद्र प्रसाद हजारी ने दी। वे बहुत ही कम उम्र में एक अच्छे सिंगर बन चुके थे। उसी दौरान एक सोनी टीवी में सन 2005 में एक फेम गुरुकुल नामक रियलिटी शो चल रहा था। उसमें अरिजीत सिंह को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उनसे कहा कि सिर्फ इंडियन क्लासिक म्यूजिक ही नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना है। और उसके बाद से अरिजीत सिंह शंकर महादेवन जी को बहुत मानते थे। जब उन्हें पता चला कि शंकर महादेवन जी इस फेम गुरुकुल रियलिटी शो में जज के रूप में आ रहे हैं, तो वो इस शो में जाने के लिए इंटरेस्टेड हुए। अब वे शंकर महादेवन जी को इसलिए मानते थे क्योंकि उनका भी बैकग्राउंड सेम था, इंडियन क्लासिक म्यूजिक। तब वो फेम गुरुकुल में पार्टिसिपेट किए, लेकिन वहाँ पर वे टॉप 5 में भी न आने सके। उनको इस बात का बहुत दुख था। वे सोच रहे थे, आखिर क्या फ़ायदा मेरे इतने अच्छे गाने का अगर मैं सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकता। उसके बाद 10 के 10 ले गए दिल दूसरा रियलिटी शो भी चला, जिसमें फेम गुरुकुल के कंटेस्टेंट आपस में फेस टू फेस कम्पिटिट करते हैं और उसमें अरिजीत सिंह ने पार्ट लिया और उसमें अरिजीत सिंह विनर रहे। उसके बाद से अरिजीत सिंह को पहला मौका हाई स्कूल टू ऑल फॉरवर्ड एल्बम में आजा नचले में मिला। इसमें अरिजीत सिंह ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद से अरिजीत सिंह अब मुंबई आ चुके थे, लेकिन मुंबई में जब तक वो पॉपुलर होते तब तक उनको रहने खाने के लिए एक इनकम सोर्स की जरूरत थी। तब वो प्रीतम दा, मिथुन दा, उन लोगों के साथ काम करने लगे एक म्यूजिक प्रोग्रामर के रूप में। जब वो 10 के 10 ले गए दिल के विनर रहे, तब उनसे शंकर महादेवन जी ने एक बात कही थी कि हम बहुत ही जल्द साथ में काम करेंगे। तब शंकर महादेवन जी ने भी उनकी बहुत मदद की। वे हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास बोलते थे, अरिजीत सिंह एक नया लड़का है, अच्छी आवाज़ है, एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते थे, नया लड़का है, ऑडियंस आवाज़ एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये बोल के टाल देते थे, कहते थे हम रिस्क नहीं ले सकते। इधर अरिजीत सिंह बहुत मेहनत कर रामिंग भी कर रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए और म्यूजिक सिंगिंग भी कर रहे थे। 2010 में प्रीतम को 24 घंटे में 16 फिल्मों के गाने रेडी करने थे। तब अरिजीत सिंह ने उनकी बहुत मदद की। अरिजीत सिंह जब भी कोई गाना को प्रोग्रामिंग करते थे तब वे उसे खुद गुनगुना के करते थे, जिसे प्रीतम दा ने नोट किया और वे सोचे, जब ये लड़का इतना अच्छा गा सकता है फिर मुझे दूसरे सिंगरों को बुलाने की क्या ज़रूरत है। इसी के बाद उन्हें मौका मिला गाने का। फिर बाद में एक फिल्म आई आशिकी 2, जिसमें अरिजीत सिंह ने तुम ही हो गाना गाया, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ, जिसमें अरिजीत सिंह सुपरस्टार बन गए। इस गाने के द्वारा उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो दोस्तों, इस बायोग्राफी से हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपने कार्य को निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। क्या पता अगर हम आज सफल नहीं हो पाते हैं तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर रास्ता भगवान ने हमारे लिए सोच के रखा है। इसीलिए अपने कार्य को हमेशा करते रहिए।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटे की बटन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।